एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मामला बादा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा गांव का है, जहां के रहने वाले ब्रजेश पुत्र सुरेश, 9 वर्ष सिमरन पुत्री राजू, 8 वर्ष शिवानी पुत्री सुरेश, 7 वर्ष राधा पुत्री रमेश, 7 वर्ष ने जहरीले डीजल के फल खाने से चारों की तबियत बिगड़ गई। जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई, निजी साधन के द्वारा आनन फानन में बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उपचार किया गया। वहीं परिजनों ने बताया कि एक डीजल का पेड़ होता है जिसमें मूंगफली के जैसे फल निकलता है, उसी को खाने से इन चारों बच्चों को तबियत बिगड़ी है। जैसे हम लोगों को जानकारी हुई, वो तुरंत अस्पताल लेकर आए, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? राम किशोर। राम किशोर, अच्छा, अभी यहाँ चार बच्चों को लेकर आए थे अस्पताल, क्या हुआ है? डीजल का फल खाया है। डीजल के फल खाया है। अच्छा, डीजल का फल। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? पलटी पलटी कर रही थी। अच्छा, तबियत बिगड़ गई। फिर कहाँ लेकर आए? एम्बुलेंस बुलाया, एक घंटे तक आई नहीं। फिर कहाँ लेकर आए हैं? अस्पताल लाए आपके पास, सरकारी अस्पताल। यहाँ बबेरू अस्पताल। बबेरू अस्पताल। अच्छा, यहाँ इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज हो रहा है। क्या